नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, आजकल हम उनको तंग नहीं करते, आजकल हम उनको तंग नहीं करते, ये बात भी उनको तंग करती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। और बच्चों, आज सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। और पिछले, जैसे आप देख रहे हो, एक हरियाणा जीके की और एक इंडिया जीके की, इंडिया जीके की सीटी के तहत सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों जो एग्जाम में आएंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। और बच्चों, 10,000+ हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के हजारों कॉमेंट आ रहे थे, आज है ना उसको फाइनल टच देना है। विद इन वीक आपके पास वो बुक है, आ जाएगी। तो उसी में लगे हुए, इसलिए दुरीना पे भी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था, तो भी डेली एक क्लास वहां पर भी मैं रिकॉर्डेड डालता हूं, ताकि मेरे प्यारे बच्चों का कोई नुकसान है ना हो। एग्जाम अनाउंस होते ही ना, चिंता मत करना, सारा सिलेबस उससे पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था बच्चों, फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? राजपूत दानू सिंह ने फरीदाबाद का नेतृत्व, फरीदाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो राजपूत दानू सिंह ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? राजपूत दानू सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? फरीदाबाद का नेतृत्व किया था। और 1857, फरीदाबाद में एक जगह है बल्लभगढ़, कौन सी जगह है? बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ का नाम बदल कर अब कर दिया गया है बलरामगढ़, बलरामगढ़। तो बलरामगढ़ का नेतृत्व या बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नहर सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा नहर सिंह ने किया था। बाद में ना, जब भारत 1857 की क्रांति हार जाता है, तो इनको दिल्ली के कहते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक पर इनको क्या दे दी गई थी? फांसी। और बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नहर सिंह को बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है? राजा नहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। राजा नहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है? बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। लेकिन नहर सिंह वन्य जीव अभियान पूछे ना, तो नहर सिंह वन्य जीव अभियान है ना, ये आपका रेवाड़ी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेवाड़ी में हो जाएगा। इसी प्रकार झज्जर का नेतृत्व भी बहुत बार पूछा गया है, अब्दुल रहमान खान ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने कहाँ का नेतृत्व किया था? झज्जर का नेतृत्व किया था। इसार का मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? इसार का मोहम्मद आजम ने इसार का नेतृत्व किया था। मेवात का मोहम्मद आजम, मेवात का सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया था। एक बार पूछा गया था, ये जो आपका एग्जाम हुआ ना एस्टेट, उसमें फरुख नगर का पूछा गया था, अहमद अली और गुलाम मोहम्मद अली, अहमद अली, फरुख नगर का, फरुख नगर, फरुख नगर, फरुख नगर, अहमद अली ने, ठीक है। किसने नेतृत्व किया था? अहमद अली ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? फरुख नगर का। पटौदी का अकबर अली ने किया था। पटौदी का पूछे तो किसने किया था? अकबर अली ने पटौदी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फरुख नगर का आया था प्यारे बच्चों, गुलाम मोहम्मद अली और अहमद अली दो थे, गुलाम मोहम्मद अली और अहमद अली ने। पलवल का आए तो बच्चों गफूर अली, हरसुख राय और गफूर अली, पलवल का, पलवल का, पलवल का, हरसुख राय और गफूर अली, हरसुख राय और गफूर अली ने कहाँ का नेतृत्व किया था? पलवल का नेतृत्व किया था। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। यहाँ नेतृत्व से क्वेश्चन आएंगे, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, लोहारू का अमीनुद्दीन, लोहारू का अमीनुद्दीन, लोहारू का नेतृत्व किसने किया था? अमीनुद्दीन ने कहाँ का नेतृत्व किया था? लोहारू का नेतृत्व किया था, ये याद कर लेना बच्चों। लोहारू से कौन से हरियाणा के जो विधानसभा में मतलब मंत्री है, मतलब लोहारू से कौन हरियाणा के जो मंत्रिमंडल में जगह बनाई है, वो आप हमें कमेंट करके बताओगे। इसी प्रकार है ना, रानिया का बहुत बार आ गया, नूर मोहम्मद खान ने रानिया का नेतृत्व किया था। रानिया कहाँ पर रहेगा? सिरसा। नूर मोहम्मद खान ने कहाँ का नेतृत्व किया था?
तो नूर मोहम्मद खान ने ना रानिया का नेतृत्व किया था। रानिया एक बार ये आया था, किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया था। किसने बसाया था? राय बीरू ने क्या बसाया था? रानिया बसाया था। रानिया कहाँ पर है? सिरसा में रहेगा रानिया। चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह का विधानसभा क्षेत्र पूछे ना तो रानिया रहेगा। और चौधरी रणजीत सिंह के पास कौन सा विभाग रहेगा? जेल मंत्रालय रहेगा, अक्षय ऊर्जा विभाग रहेगा। जेल मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा विभाग चौधरी रणजीत सिंह के पास रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। एक बार पूछा गया था बच्चों, किसे है ना हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? तो शाहबाद कुरुक्षेत्र को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? तो हॉकी की नर्सरी प्यारे बच्चों शाहबाद, शाहबाद कुरुक्षेत्र को हॉकी की क्या कहा जाता है? नर्सरी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्लासें मिलती रहेगी। एक और मेरी टीम का कोर्स है, ये ना नंबर दे देता हूँ, 7478 4007 दुरीना ऐप पर कोर्स मिलेंगे। इसमें ना ग्राम सचिव कनाल पटवारी पटवारी का तीनों का 199 रुपये में, जितने में एक किताब भी नहीं आएगी। और हरियाणा पुलिस का लाइव 549 रुपये में रहेगा। ये दो दिन के लिए आपको अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ भी क्लासें आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एक बार पूछा गया था बच्चों, सब आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि ये पूछा गया था जो कलेसर महादेव मंदिर है ना, जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसके पीछे कौन सा मंदिर है? महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर रहेगा, ठीक है। महादेव मंदिर कहां पर? कालेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। किस नेशनल पार्क के पास से है? कलेसर नेशनल पार्क के पास कौन सा मंदिर है? कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। और एक बार आया था बच्चों, यमुना नदी है ना किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी है ना, वैसे तो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, ताजेवाला यमुनानगर से प्रवेश करती है, या अथनीकुंड बिराज नेशनल पार्क पूछे तो कलेसर रहेगा। यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। गुरुजी किसके लिए मशहूर है? लाल जंगली मुर्गा के लिए ये मशहूर रहेगा। और किसके लिए मशहूर है गुरुजी? चितकबरी, चितकबरी बिल्ली के लिए कौन सा नेशनल पार्क मशहूर रहेगा? कलेसर नेशनल पार्क है मशहूर रहेगा। और दूसरा पूछे ना, कलेसर के अलावा कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। इसे क्या कहा जाता है? वर्ड्स हेवन, पक्षियों का क्या कहा जाता है? सवरक कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या होता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण होता था इसका पुराना नाम। डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे? एक वर्ल्ड साइंटिस्ट होते थे प्यारे बच्चों, पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। ये भी पूछा जाने वाला है। एक बार पूछा गया था बच्चों, लाख की चूड़ियां कहाँ की फेमस है? महेंद्रगढ़ की। लेकिन राष्ट्रीय लाख अनुसंधान है ना वो रांची झारखंड में है, राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? रांची झारखंड में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी का संबंध है, रांची झारखंड से रहेगा। लेकिन लाख की चूड़िया हरियाणा में कहाँ की फेमस हो जाएगी? लाख की चूड़िया हरियाणा में कहाँ की फेमस हो जाएगी? तो लाख की चूड़िया हरियाणा में ना महेंद्रगढ़ की फेमस हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? महेंद्रगढ़ की फेमस हो जाएगी। एक बार पूछा देहाती मेला कहाँ पर लगता है? तो देहाती मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है प्यारे बच्चों? केथल में कौन सा मेला लगता है? देहाती मेला। एक बार आया था भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है? तो भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में लगता है। और एक बार आया था शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? शीतला माता का मेला, तो ये बच्चों कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता है ना, कहते हैं ये ना इम्पोर्टेंट है, महाराज जो गुरु द्रोणाचार्य था ना, उनकी पत्नी का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। इनकी पत्नी का नाम क्या होता था? महारानी किरपी होता था। कहते हैं महारानी किरपी जहाँ पर जाती थी वहाँ पर चरम रोग ठीक हो जाते थे। इसके लिए 1650 में शीतला माता मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? गुरुग्राम में करवाया गया था। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगेगा? गुरुग्राम में लगेगा। एक महाराजा अगरसेन का मेला, महाराजा
अगर सेन का मेला ये कहाँ पर लगता है प्यारे बच्चों? ये अगरुआ में लगता है। अगरुआ पूरे भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? महाराजा अगरसेन के कारण प्रसिद्ध रहेगा। ये भी प्यारे बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मेलों से भी एक क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपसे मेले और मंदिरों से भी क्वेश्चन है बन जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान रखना। एक दादी गोरी का मेला, दादी गोरी का मेला, ये ढाया 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 कहाँ पर रहेगा? हिसार में दादी गोरी का क्या लगता है मेला? ऐसे मेलों से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार कोई क्वेश्चन आ गया तो वो उसके बाद कोई भी आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। तो इनके किसान दिवस, इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। कहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। इनकी याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है और 23 सितंबर को हरियाणा, ना 23 सितंबर को हरियाणा अपना क्या बनाता है? शहीदी दिवस बनाता है। तो हरियाणा अपना शहीदी दिवस किसकी याद में मनाता है? राव तुलाराम की याद में बनाता है, क्योंकि राव तुलाराम का 23 सितंबर 1863 को ना काबुल में क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को है। किसान दिवस ये राष्ट्रीय लेवल का है, चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के नाम पर हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका गठन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और इस यूनिवर्सिटी को किस पे शोध के लिए सम्मानित किया गया था? इस यूनिवर्सिटी में ना चावल पर क्या हुआ था? रिसर्च हुआ था। इसके लिए इसको क्या किया गया था प्यारे बच्चों? सम्मानित किया गया था। ये सारे क्वेश्चन वो है जो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सीरीज प्यारे बच्चों कब तक चाहिए ये तो आप हमें कमेंट कर कर ही बता सकते हो। जब तक चाहिए ना तब तक ये सीरीज मैं रुकने नहीं दूंगा प्यारे बच्चों, बस आपका प्यार बनाए रखना। एक बार आया था बच्चों, हरियाणा ने 15 अगस्त 2018 तक खालिस्तान के तहत पेपरलेस हो गया है, ई ऑफिस परियोजना के तहत 15 अगस्त 2018 तक पेपरलेस ई ऑफिस, 15 अगस्त 2018 तक हरियाणा क्या हो गया है? पेपरलेस हो गया है। किस योजना के तहत? ई ऑफिस योजना के, ई ऑफिस परियोजना के तहत, ई ऑफिस परियोजना के तहत, ई ऑफिस परियोजना के तहत हरियाणा क्या हो गया है? पेपरलेस हो गया। ये प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में भी पेपर में पूछा जाएगा, ई ऑफिस परियोजना। एक बार आया था, खालिस्तान हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है। तो आईटीआई, जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोला जाता है, तो आईटीआई हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है। आईटीआई हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग भी बोला जा सकता है। कौन सा विभाग रहेगा? पेपरलेस विभाग रहेगा, पेपरलेस डिपार्टमेंट हरियाणा का कौन सा रहेगा? आईटीआई रहेगा। और हरियाणा की पेपर सिटी किसे बोला जाता है? तो पेपर सिटी हरियाणा की यमुनानगर को बोला जाता है। पेपर सिटी ना ये तो प्यारे बच्चों कागज नगरी आ जाएगा। हरियाणा की कागज नगरी कौन सी हो जाएगी? तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की कागज नगरी यमुनानगर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यमुनानगर हरियाणा की क्या हो जाएगी? कागज नगरी हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार आया था, पंचायत का चुनाव खालिस्तान के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन सा चुनाव किया जाता है? पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। पंचायती राज की कितनी शाखा है? 3 शाखा है। निम्न स्तर पर पंचायती राज को ग्राम पंचायत कहा जाता है, मध्य शाखा को पंचायत समिति कहा जाता है, शीर्ष शाखा को जिला परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला। ये पंचायती राज की तीनों शाखाएं है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करेगी, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। एक बार आया था, हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग कब बनाया गया था? 18 नवंबर 1893। हरियाणा में राज्य ये चुनन 18 नवंबर 1893
1993 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 को हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। एक बार पूछा गया था हरियाणा के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहेंगे, अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अनुराग अग्रवाल। एक बार आया था हरियाणा में किस महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये बच्चों हरियाणा में ना दिसंबर और जनवरी में। हरियाणा में किस महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो हरियाणा में प्यारे बच्चों दिसंबर जनवरी महीने में क्या पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है हरियाणा में? दिसंबर जनवरी महीने में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे गर्मी पूछे ना, तो ये मई जून का महीना है ना, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जून के महीने में ना हरियाणा में क्या आता है, मानसून आता है। और ये भी आता है मानसून आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है, वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में तीज नृत्य किया जाता है। मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, केरल के ना तट पर आता है। उस तट का नाम आप कमेंट करके बताना कि किस तट पर मानसून सबसे पहले भारत में दस्तक देता है, ठीक है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगामी एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है कि ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम में बना था कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, करनाल में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, ये करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार है निम्नलिखित में किस उत्सव के दौरान एक विशेष विशेषता के रूप में नाव की दौड़ होती है, नाव की दौड़ है ना ओणम उत्सव पर होती है, नाव की दौड़ किस उत्सव पर होती है प्यारे बच्चों, ओणम है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केरल का क्या है महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, केरल के नृत्य पूछे तो कथकली हो जाएगा, ठीक है, कथकली हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम ये कहाँ के होंगे, केरल के। केरल का सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार कितना था, 1084। एरिवाकुलम यहाँ की ना साक्षरता दर भी क्या है, सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों। ये पेपर में पूछा जाने वाला त्योहार रहेगा। आगे आता है बिहू, पूछा गया था कहाँ का त्यौहार रहेगा, असम का त्यौहार रहेगा। बिहू कहाँ का त्यौहार रहेगा, असम का त्यौहार, असम का बिहू कहाँ का त्यौहार हो जाएगा प्यारे बच्चों, असम का त्यौहार हो जाएगा। और बच्चों ये है ना सीरीज है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, अगर आप है ना समझोगे तो महत्व को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, अगर समझोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है। जो बच्चे आज मेहनत करेंगे ना, जो बच्चे रात रात भर जगेंगे ना, वही एक दिन सूर्य बनकर जरूर निकलेंगे। और ये सीरीज आपको कब तक चाहिए और कैसी लग रही है, हर एक बच्चा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल हम है ना आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आपसे एक ही गुजारिश है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी है ना पढ़ाई को रुकने मत देना, क्योंकि पढ़ाई रुक गई ना तो ये क्लोज वाला देख लो, पढ़ाई रुक गई ना तो कोई भी है ना, वही बात है, दुनिया है ना प्यारे बच्चों खैरियत नहीं ऐसियत पूछने वाली है। दुनिया के पीछे मत चलना, अपने मम्मी पापा के लिए आपको क्या करनी है, पढ़ाई। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये आया हुआ था, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट पूछा गया था, किसको कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, आधुनिक हरियाणा का निर्माता आता तो सभी कर लेते, हरियाणा का आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, वही बात है, निर्माता को ही कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल। इनके टाइम में ना 29 तारीख को ना हरियाणा 29 तारीख 1970 को हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी, बिजली आई थी। हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी, बिजली आई थी। किसके टाइम में आई थी, चौधरी बंसीलाल के टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या पहुंची थी बिजली, और हरियाणा हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का क्या बन गया था, पहला राज्य बन गया था। इन्हें ना हरियाणा का क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का ना
ये भी पूछा जाता है, शेर शाह सूरी भी किसको कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता इन्होंने ही ना 1996 से, प्यारे बच्चों 1 जुलाई 1996 से, ये आप पढ़ोगे ना, 1 अप्रैल 1996 से जुलाई 1998 तक इन्होंने क्या कर दी थी, शराबबंदी कर दी थी। और बाद में ना इनकी सरकार गिर गई थी। और ये भी पूछा जाता है, चौधरी बंसी लाल किस पार्टी के जन्मदाता होते थे? हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता होते थे। एक बार हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछ लिया गया था, तो हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह, प्यारे बच्चों लड़का लड़की हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ एक बार कोई क्वेश्चन आए ना तो वो दोबारा आपका गलत है नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा प्यारे बच्चों, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। किसी भी हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।